विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। बतारीख 17 फरवरी बरोजे हफ्ते को जलपली म्यूनिसिपैलिटी के इलाके शाहीन नगर उमर फंक्शन हॉल में इस्लाह मुआशरा कमेटी शाहीन नगर एंड जलपली की जानिब से एंटी ड्रग्स ड्राइव प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। इस शानदार प्रोग्राम में मेहमान खसूसी के तौर पर महेश्वरम DCP डी सुनीता रेड्डी, ACP जलपली म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, जलपली म्यूनिसिपैलिटी वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल, जलपली म्यूनिसिपैलिटी के तमाम काउंसलर्स, एरिया लीडरान और जिम्मेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में शाहीन नगर के तमाम मेडिकल ओनर्स के साथ एंटी ड्रग्स ड्राइव प्रोग्राम के बारे में अवेयरनेस पैदा की गई। इस मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर भी मौजूद थे और बालापुर CI और पहाड़ी शरीफ CI और इनका दिगर स्टाफ भी मौजूद था। तमाम ने मिलकर एंटी ड्रग ड्राइव के बारे में तमाम तर तफसीलात बताई। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर फारूक खान की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। सबको आदाब। तो ऐसा लग रहा है थोड़ी जने बहुत जान पहचान लग रहे हैं, क्योंकि दो हफ्ते में एक बार ऐसा मुलाकात हो रहा है सब लोगों से। तो इतना काम बड़ा ही है मेरे, अभी थोड़ा अवेयरनेस हो के थोड़ा तो कोऑपरेट करे तो पुलिस को, क्योंकि इतना केसेस बढ़ रहा है, ये जो नशा का केसेस और नशे में जाके जो क्राइम्स कर रहे हैं। मैं अभी आके खाली 6 हफ्ते हुए, मगर गांजा के और नशे के नशा से जो क्राइम हो रहे हैं वो ज़्यादा तक बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमारा टॉप प्रायोरिटी है। तो पहले मैं सबको जो भी स्टेज पर मौजूद है, ये जो कमिटी वाले जो उमर साहब इस्लाही मुशेरा कमेटी, जो इसका टैग समाज सुधार कमेटी, दैट्स अ वेरी गुड टैग लाइन। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ योर ऑब्जेक्टिव्स उमर जी, सो एंड थैंक यू दैट यू आर एक्चुअली यू नो प्रोसीडिंग विद अ वेरी गुड ऑब्जेक्टिव एंड विथ ऑल सोशल वाइजेस दैट यू आर टेकिंग अप, बिकॉज दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर दिस कम्युनिटी एंड यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ऑल द aspects of the livelihood which can upbring their lives. It is very much important for the next coming generations, and you have given lot of top priority to the ganja cases. So we are with you and we'll be cooperating with you, and regarding this rehabilitation also we will try to escalate this issue. Jo hamare ek state level pe TSNAB Telangana State Anti Narcotics Bureau jo गवर्नमेंट अभी बहुत सीरियस है, और एक एडिशनल DG ऑफिसर रैंक के अंदर 300 पुलिस ऑफिसर्स आर आल्सो वर्किंग फॉर दिस। सो इसका ये रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज जो भी है, आई थिंक इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस मोहल्ला, सो इन दिस एरिया, सो दैट वी कैन एक्चुअली यू नो टेक एवरी वन साउथ जोन एंड देन महेश्वरम पहाड़ी शरीफ बालापुर एवरी वन वी कैन फैसिलिटेट एंड अकोमोडेट, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। So we will see, as you have raised this issue, I think this is a very good idea. We will see what we can do from our level. Or whoever others like whoever has invited the corporates, and these people are always in continuous touch, and then the municipal chairperson and then chairman and my colleague officers, the newly reported ACP Uma Maheshwar Rao garu, and my officers, and especially जो मेडिकल शॉप वाले आए इधर बोल के मुझे इधर बुलाए, आई थिंक मेनी ऑफ देम आर रनिंग मेडिकल शॉप्स। तो मेरे ये बात है, मैं आपको अवेयरनेस करने के लिए नहीं आई, मैं वार्निंग देने के लिए आई, क्योंकि जिनको नहीं पता है वो अगर कंज्यूम करे तो भेजे तो फिर उनको अवेयरनेस दे सकते, मगर जिनको पता है क्या भेजना है क्या नहीं भेजना है आप लोगों को बेशक मालूम है। जो नारकोटिक्स NDPS एक्ट में जो भी प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स होता है वो बिल्कुल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भेजना मना है और इट इज एन ऑफेंस। तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ, इट इज माय वार्निंग दैट अंडर दिस प्लेटफॉर्म ऑफ अवेयरनेस दैट
दैट आई थिंक मेरे जो पहले जो स्पीकर्स हैं वो एनडीपीएस एक्ट के बारे में बोले और वो जो गांजा कैसे कैसे हमारे लोगों को बिगाड़ रहे और यंगर जनरेशन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे और नारकोटिक्स ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से ड्रग इंस्पेक्टर को भी हम बुलाए. थैंक यू सो मच रवि फॉर कमिंग ऑल द वे बिकॉज इट इज़ योर बेबी एक्चुअली द मेडिकल शॉप्स एंड ऑल बट वी जॉइंटली वर्क टुगेदर एंड देन वी विल कंडक्ट स्पेशल राइड्स. अ सडन सरप्राइज स्पेशल राइड्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम मेरे जो इससे पहले जो नारकोटिक्स का जो एक्सपीरियंस है क्योंकि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में काम करने के बाद मैं इधर महेश्वर डीसीपी पोस्ट में आई हूँ. तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अभी ये जो गांजा और ये जो सिंथेटिक ड्रग्स मैन्युफैक्चर ड्रग्स जो भी है तो उसके लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं. जो हमारा बालापुर पुलिस एंड बाड़ीशरी पुलिस इंस्पेक्टर्स जो आए तो इतना बड़ा प्रोग्राम लगाए सबको धन्यवाद बोलता हूँ पहले. बाद में जो डायस के ऊपर बैठे और डग इंस्पेक्टर साहब और कमटी प्रेजिडेंट साहब और अज्ञा उमर और युद्ध पटेल भाई सब जने को अच्छा प्रोग्राम लगाने से धन्यवाद बोलने के लिए बोलूँ. तो मैं 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 में इधर सब इंस्पेक्टर करा था. मेरे को आपसे बहुत कोऑपरेशन मिला. आपका कोऑपरेशन से हम जो चाहे और पब्लिक जो चाहे वो कामा अच्छा सक्सेस हुआ वो कामा फुलफिल हुआ. उसके लिए आपका पब्लिक का कोऑपरेशन था मिला वो कोऑपरेशन से हमारा कामा अच्छा हुआ. इस बार भी आपका कोऑपरेशन हम लोग पूछ रहे आपका कोऑपरेशन है तो हरेक कुछ ना कुछ डक बोल के नहीं है. अरे जो प्रॉब्लम हो मसला हल कर सकते हैं. जो एक्सपेंस का गड़बड़ रहता नहीं तो. और मुफ्ती उमर साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ सारी टीम को और हमारे यहाँ पर चेयरमैन साहब तमाम काउंसलर्स हमारे मेडिकल्स के तमाम मेरे भाई मेरे दोस्त सबको सलाम. क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम लगाया गया है क्योंकि ये हमेशा हम लोग एक पार्टी बेस पे कोई प्रोग्राम होता है आज पहली मरतबा एक ड्रग्स के ऊपर या गांजा या नशे के ऊपर ये प्रोग्राम रखकर मीटिंग रखकर ये प्रोग्राम रखे हैं. मैं इसी तरीके से अभी जैसा अय्या भाई बताए उमर भाई बताए हमारे सी आई साहब बताए किस तरीके से हमारे को नशे को और गांजे को ये किस तरीके से रोकना है ये हम सबका काम है. हम सबकी जिम्मेदारी है. हम सब मिलकर